सीनियर क्या लगा रखा है? क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है क्या? आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। यू जस्ट फेल हो यार। ओके सर। दोस्तों, वैसे तो सब एक्टर्स अपने हिसाब से सुपरस्टार्स होते हैं और हर कोई अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझता है। सब स्टार्स की कोशिश होती है कि एक दूसरे से ज्यादा मेल मिलाव ना करें, ताकि इनकी बिना वजह किसी से कहा सुनी ना हो। लेकिन अवार्ड शोज ऐसी जगह होती है जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सेलिब्रिटीज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं, और जहां इतने पावरफुल लोग एक साथ मौजूद हो तो वहां नोकझोंक तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही अवार्ड शोज की लड़ाइयां दिखाएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। सलमान खान और मिथुन की फाइट। दोस्तों, एक बार स्टार गोल्ड के अवार्ड शो में सिंगर मिथुन को जब बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला तो मिथुन उसे लेने स्टेज पर जाते हैं, तो शो के होस्ट सलमान खान ने उन्हें कहा कि आपके पीछे स्टिकर लगा है। तो मिथुन उन्हें कहते हैं, आप लोग जो 6 घंटे तक बिठाए रखते हैं इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद जो फाइट हुई आप खुद देख सकते हैं। उससे सर थोड़ा सा घूम के जरा आप दिखा देंगे कि आप रुक जाओ सर, मैं अरे ये अच्छा ही करने जाओ फिर। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। अरे सर रुक जाओ सर, देखिए रिमूव इट यार, ये तुम्हारे सिंगर ने चिपकाया तुम पर। अच्छा चिपकाया, आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, सभी दे रहे हैं। शाहिद कपूर और अनिल कपूर की फाइट। दोस्तों, अनिल कपूर वो बॉलीवुड एक्टर हैं जो 40 सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 67 साल हो चुकी है, फिर भी इन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। लेकिन अनिल कपूर साहब कहते हैं कि मुझे कोई भी ये ना कहे कि मैं सीनियर एक्टर हूँ, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ। एक अवार्ड शो के दौरान जब करण जौहर और शाहिद कपूर ने इनको इज्जत देते हुए स्टेज पर बुलाया और इनको अनिल सर कहकर बुलाया, तो अनिल कपूर ने कहा कि मुझे सर मत बोलो, इससे मेरी उम्र ज्यादा लगती है। और फिर जब इन दोनों ने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर एक्टर हैं, तो अनिल कपूर को इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से से फट ही पड़े। क्या सीनियर लगा रखा है? सीनियर क्या लगा रखा है? क्या मुझे ये बॉलीवुड से मुझे क्या पेंशन मिल रही है क्या? रिटायर हो चुका हूँ, बॉलीवुड से पेंशन मिल रही है? या किसी फिल्म में मैंने शोराब मोदी के बाप का रोल किया? सर ऐसा बिल्कुल नहीं सर, सॉरी सर। आदमी दिल से जवान होता है, उम्र से नहीं। यू जस्ट फेल हो यार। ओके सर। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फाइट। दोस्तों, ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और चार्मिंग हीरो माने जाते हैं। वैसे तो ऋतिक रोशन ने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी तो उसके बाद इनकी कई फिल्में लगातार सुपरहिट होने लगी। लेकिन एक वक्त इन पर ऐसा भी आया जब इनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। इन फ्लॉप फिल्मों में एक फिल्म थी काइट्स, जिसमें कंगना रनौत के साथ साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस बारबरा मोरी भी काम कर रही थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने पर ऋतिक रोशन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस फिल्म से इनको बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। इसके बाद एक अवार्ड शो के दौरान जब सैफ अली खान ने इनसे पूछा, अगर बाहर का तापमान 26 डिग्रीज है तो आपकी काइट्स कितनी वर्टिकल फीट पे जाके उड़ेगी? उड़ेगी। कितनी ऊंची उड़ेगी? जितनी तुम्हारी कुर्बान उड़ी थी और जितनी आपकी बिल्लू बाबर उड़ी थी उससे कुछ ज्यादा। शाहरुख खान और इरफान खान की फाइट। दोस्तों, सालों से ही डिबेट चलती आ रही है कि इरफान खान जैसा कलाकार बॉलीवुड में कोई नहीं था, लेकिन इनको बदकिस्मती से वो मकाम ना मिल सका जो बाकी खान्स को मिला। ये बात इरफान खान खुद भी महसूस करते थे और अपने दुख का इजहार इन्होंने शाहरुख खान को स्टेज पर बेइज्जत करके किया। इरफान भाई, व्हाट अप? हेलो। लीव इट यार। लीव मतलब व्हाट? मैं पतंगबाजी छोड़ के आया, थोड़ा आपने बुलाया, मैं आया इसलिए आया। थैंक यू। आप वही सिमिलर क्या हुआ? नहीं, आपने अपनी फिल्मों का, अपनी तरह की फिल्मों का बुफे लगा दिया। व्हाट अबाउट आवर लंच बॉक्स? आपकी फिल्में फिल्में, हमारी फिल्में क्या है, वड़ा पाव? नहीं, ऐसा नहीं है इरफान भाई, ऐसा कहाँ बोला मैंने? हमने भी लाइफ वाली फिल्में की हैं, लाइफ इन अ मेट्रो, लाइफ ऑफ पाई। फैंटास्टिक लाइफ ऑफ पाई। आप ऊपर आए ना भाई, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप गुस्सा मत हो। नहीं, मैं ऊपर क्या करूंगा? नहीं, नहीं, आप अभी संभालिए ऊपर। नहीं, कितना अच्छा पहना हुआ है सबका। नहीं, आइए प्लीज, आइए, दो मिनट पर आए प्लीज, ऊपर आके बात कर लेंगे। हाँ, ऊपर आए। एनीवे, आई एम रियली सॉरी पर्टिकुलरली फॉर दोज हु बॉट टिकट्स और ईएमआई। प्लीज किस्तें भरते रहिएगा,
ये मूवी स्टार्स को देखने के चक्कर में लोगों के गाड़ी घोड़े ना बिक जाएं। शाहिद कपूर और वरुण धवन की फाइट। एक बार वरुण धवन फिल्म फेयर अवार्ड में होस्टिंग कर रहे होते हैं तो 5 बेस्ट डांसर्स का नाम लेते हैं और उसमें शाहिद कपूर को शामिल नहीं करते और वो खुद को ABCD मूवी के लिए इस लिस्ट में रखते हैं। उसके बाद इनके बीच जो हुआ वो आप खुद देख सकते हैं। पापा क्या है कि आपने छोड़ा तो मैंने पकड़ा ना, मतलब मुन्ना मैंने तो छोड़ा ही नहीं है ना अभी, आपने छोड़ा नाचना, तू पकड़ेगा मतलब सबके सामने। ऐसे तो मैं खाली ऐसे ही बोल रहा था सर। तू पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? नील नितिन मुकेश और शाहरुख खान की फाइट। एक बार शाहरुख खान और सैफ अली खान फिल्म फेयर शो होस्ट कर रहे होते हैं तो नील नितिन मुकेश से पूछ लेते हैं कि आपका सरनेम क्या है, तो इसके बाद नील बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और शाहरुख खान और सैफ अली खान को अच्छी खासी सुना देते हैं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है, व्हाई डोंट यू हैव अ सरनेम? ऑल ऑफ अस हैव खान खान। वेल एक्चुअली दैट इज एन इंसल्ट फॉर मी एक्चुअली आई फील, या ओह इट्स नॉट राइट यू नो दैट आई थिंक यू हैवंट सीन माय फादर सिटिंग आउट हियर आल्सो। Sorry, Neil. Yeah, I think it's ridiculous on both of y'all to, you know, ask a question like this and always make this up on a film fair podium, you know, up there, Neil. Standing there. What, dude? No, I'm sorry, everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, you know, just shut up here. Salman Khan aur Arijit Singh ki fight. अरिजीत सिंह को तुम ही हो सॉन्ग के लिए अवार्ड मिलता है और जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने जा रहे होते हैं वहां पर सलमान खान उस अवार्ड शो को होस्ट कर रहे होते हैं तो देखिए कैसे सलमान खान अरिजीत सिंह का जानबूझकर मजाक उड़ाते हैं। इसमें तो नींद आ गई यार। डेफिनेटली सुना दो, हमको भी सिखाओ। इसके बाद सलमान खान की फिल्म सुल्तान के एक सॉन्ग जग घूमिया के लिए पहले अरिजीत सिंह से ये गाना गवाया गया था लेकिन सलमान खान ने उनके गाए हुए इस गाने को हटाकर इस गाने को दोबारा राहत फतेह अली खान से गवाया। इस बात पर अरिजीत सिंह ने सलमान खान से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी वॉइस में रिकॉर्ड किया हुआ गाना ना हटाए लेकिन सलमान खान ने इनकी एक ना सुनी और फिल्म से उनका गाया हुआ सॉन्ग हटवा दिया। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।